गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। सो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10, द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब होता क्या है। तो जैसे आप लोगों ने आवर प्रिंसिपल के थ्रू आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि हम जो सबशेल्स होते हैं हमारे, हम जानते हैं एस पी डी एफ। आपको ये ध्यान है सबशेल्स थे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साइन पे। सो हम सबशेल्स कैसे नाम याद रख रहे थे, एस में आपके एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे। पी में आपके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। डी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। और एफ में आपके कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, आपके 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपके जा रहे थे। आपको ये बात अच्छे से याद है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी कोई एलिमेंट है, अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या हम बात करें अगर उसके इलेक्ट्रॉन्स को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं आवो प्रिंसिपल। तो हम वो किस तरीके से यूज़ करते हैं, आप उसे देखिएगा। इसको रफ कर देता हूँ इस बार मैं आपके लिए। चलिए इसको मैं आपके लिए रफ कर देता हूँ। तो हम किस तरीके से उसको बनाते हैं, तो वन यहाँ हम बनाते हैं उसको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, इस तरीके से हम काम करते हैं पूरा। तो देखिए इसका मतलब क्या है हमारा, इसका मतलब ये है कि व्हेन अगर जब भी इलेक्ट्रॉन फुलफिल होंगे तो सबसे पहले वो किस ऑर्बिटल में जाएंगे या किस सबशेल में जाएंगे, तो एस सबशेल में जाएंगे, आपको ये बात पता है। फिर सेकंड आपका सेकंड वाले का सेल में जाएगा, 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा। p की मैक्सिमम कैपेसिटी है 6। अगर s फिर किस में जाएगा, वो 3s में जाएगा, यानी कि आपके किस में चला जाएगा, वो आपके s ब्लॉक में मैक्सिमम 2 पे। और फिर कहाँ जाएगा, वो p में जाएगा, और फिर कहाँ जाएगा, s में जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई। तो देखिए अगर किसी इलेक्ट्रॉन या किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में, मतलब अगर एस ब्लॉक आ रहा है, आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन या बोले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ब्लॉक में जा रहा है, तो हम उसे बोलेंगे द एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलेंगे, द एस ब्लॉक एलिमेंट। और अगर किसी भी एलिमेंट के अगर उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी ब्लॉक में जा रहा है, पी ब्लॉक में अगर सेव हो रहा है, तो हम उसे बोलेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। ये बात अच्छे समझ में आई। तो देखिए इस तरीके से हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल हम देखते हैं हमारा सबसे फेवरेट सोडियम। तो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आप सभी को याद है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है Na=11। तो देखिए आवर प्रिंसिपल से मैं कैसे सॉल्व करूँगा इसको, तो 1s2 ठीक है, 2s2 ठीक है, फिर 2p6 ये भी ठीक है, यानी 2 और 2 4 और 6 10, 10 तो हो गए मेरे पास सर। अब कितना बचा है यहाँ पर, 1, किस में जाएगा ये, 3s1 में जाएगा। तो देखिए जो सोडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है हमारा, तो हमारा प्रेजेंट है ये 3s1 में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे क्या नाम दिया, हमने इसको एस ब्लॉक एलिमेंट नाम दिया। और अगर मैं और आपको एक और एग्जाम्पल दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि सोडियम नहीं लेते हुए मैं लेता हूँ आपका, मैंने लिया आपका फॉर एग्जांपल मैंने लिथियम ले लिया, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो 1s2 और 2s1, ये बात ध्यान है। तो यहाँ देखिए यहाँ जब 2s1 आया आपका इस जगह पर 2s1, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये भी आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है। मान लीजिए अगर मैं बात करूँ लिथियम के बाद बोरोन, तो सोडियम से जैसे हमारी जो केबल चलती है, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम सॉरी बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ नाइट्रोजन, तो देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो इसको अगर मैं आवो प्रिंसिपल के थ्रू करूँगा तो कैसे होगा ये, तो 1s2 2s2 और यहाँ पर क्या जाएगा, 2 और 2 4, अब क्या अगला आएगा 2p3 आएगा, क्या आएगा यहाँ पर 2p3, क्योंकि 7 का
तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जब पी थ्री आ रहा है, यानी कि ये पी ब्लॉक में, यानी ये कैसा एलिमेंट होगा, ये पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, और भी अगर एग्जांपल लेते हैं हम, अगर पी ब्लॉक में या एस ब्लॉक में अगर हम एक और एग्जांपल लें, तो हम ले सकते हैं आपके बेरिलियम बोरोन का, सॉरी, तो बोरोन का देखते हैं, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन। ठीक है, तो देखिए बोरोन एटॉमिक नंबर 4, तो 1s2 2s2, यानी कि ये क्या हुआ, ये आपका कंप्लीट हो गया। पर यहाँ देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, आपका 2 में। इसी के साथ अगर हम मैग्नीशियम देख अगर आप यहाँ पर मैग्नीशियम देखेंगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो इसको अगर हम सॉल्व करना जाएंगे मैग्नीशियम को, तो किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो यहाँ देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया आपका, आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गया आपका 3s2 में, यानी कि ये आपका कैसा एलिमेंट है, ये भी आपका p ब्लॉक s ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, तो इन बातों से मुझे एक बात समझ में आई, अगर मैं एक जनरल फार्मूला लिखना चाहूँ तो क्या मैं जनरल फार्मूला ये लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं जनरल फार्मूला लिखना चाहूँ तो, अगर आउटर मोस्ट शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है एन एस के, अगर ये एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये है, एक कंडीशन ये बनेगी और एक कंडीशन ये बन जाएगी आपकी एन एस टू, यानी कि एन मतलब क्या है आपका, ये है आपका शेल नंबर। तो जैसे आपने उस समय आपने देखा है 1s 2s, ठीक है, फिर आप आगे गए थे तो 3s बन गया था, फिर 4s बनता है कहीं कहीं पे, तो ये जहाँ पर 1s 1s, ये तो ये 1 2 3 जो ये नंबर है, ये नंबर है n। ठीक है, और आपका s1 यानी कि s इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में या शेल में एक इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि ns1, इसका जनरल फॉर्मूला। और अगर मैं बात करूं ns2 यानी कि आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन में आपके कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, आपके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो इसे आप क्या बोलोगे, ns2। तो अगर मैं इसको ns2 बोल दिया, ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा ns2 को क्या बोलते हैं हम, अल्काली मेटल्स, आप क्या बोलोगे इनको, अल्काली मेटल्स। ठीक है, और ये ns2 वालों को आप क्या बोलोगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अब देखिए ये कैसे हुआ, तो देखिए आप देखिए यहाँ पर अगर हम अब यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए, अब हम जो मैंने आपको समझाया, अब आप यहाँ समझिए इसको पूरे प्रॉपर तरीके से। सो द एस ब्लॉक एलिमेंट, छोटा थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको, या हाईलाइट कर लेते हम पर, ठीक है, आज मैंने नया बोर्ड यूज करने की कोशिश की आप लोगों के लिए। सो द एस ब्लॉक एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल आर दोज विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल। ठीक है, ये मैंने आपको बताई, As the orbital accommodate only 2 electron, 2 groups, group number 1 and group number 2 belongs to the S block element of the periodic table। तो देखिए मैंने आपको NS1 बताया था और NS2 बताया, तो देखिए सिर्फ दो ही ग्रुप इसके अंदर जा सकते हैं। ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबेडियम सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो देखिए इसको इस तरीके से समझिए आप, के अगर मैं अगर यहाँ बात करूँ, इसको एक बार रफ कर देता हूँ, तो देखिए आपको ध्यान क्या रखना है कि ग्रुप 1 आपको पता है हॉरिजॉन्टल वालों को हम ग्रुप बोलते हैं, तो ग्रुप 1 में आपके कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे, तो आपको याद रखना है लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबेडियम, और इसके अलावा और कौन सा जाएगा आपका, रुबेडियम, फिर सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, तो ये ग्रुप काम करेगा। तो पहले ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट गए आपके, तो आपको याद रखना है लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबेडियम सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं आपके लिए, अगर मैं आपके लिए ग्रुप 2 की बात करी यानी कि NS2 वाले की बात करी, सो हम देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखिए ग्रुप 2 में कौन से जाएंगे आपके, तो आपके जाएंगे बेरिलियम
मैग्नीशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम एंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये छह एलिमेंट आपके ग्रुप टू में जाएंगे। तो आपको नाम क्या याद रखने हैं यहाँ पर? आप नाम याद रखेंगे इनके, तो पहला आपका नाम याद रखेंगे आप बेरिलियम, फिर याद रखेंगे मैग्नीशियम, फिर याद रखेंगे आप कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, फिर बेरियम और फिर आपका है रेडियम। ठीक है, तो ये आपके ग्रुप नंबर टू के एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो ग्रुप नंबर वन को हम क्या नाम देते हैं? अल्काली मेटल्स। और ग्रुप नंबर टू को हम क्या नाम देते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, सो बाकी की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।